माय नेम इज़ राजेंद्र नारायण चटपल्लीवार। मेरी उम्र 62 इयर्स है। मैं बीटेक सिविल हूँ और फिजियोथेरेपी का कोर्स किया है और मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ अभी कुछ ही समय पहले, 1 साल पहले। आखिरी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर करके रिटायर्ड हुआ हूँ और फिजियोथेरेपी का मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। जो सीनियर सिटीजन को रिक्वायरमेंट है या उनकी जो दिक्कतें फेस करते हैं निजी जीवन में, उनकी मदद के लिए मैं 7-8 साल से ये फिजियोथेरेपी का सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसा देखा गया है कि मुझे अभी 7-8 साल के या पिछले अनुभव से कि मैक्सिमम लोगों को घुटनों का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है और पैरों की जो नसें हैं वो बहुत सारी कमज़ोर हो जाती है या इनएक्टिव रहती है। वहाँ पे ब्लड फ्लो की कमी महसूस हुई है। जब भी मैं काम करता हूँ तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन वहाँ होता नहीं है आफ्टर सब एज के बाद, यानी 50 साल के बाद। और जिनको डायबिटीज़ है वो लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है नसों का ब्लड फ्लो के लिए। तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं शुरू से। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उसकी ब्लड फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, मतलब उसका हेमोग्लोबिन प्रॉपर है कि नहीं। ये बेसिक नीड है कि हेमोग्लोबिन जितने उम्र वाले लोग हैं उनमें कम पाई जाती है। और बात दूसरी में देखा है कि शोल्डर्स में, शोल्डर और कमर में जोड़ों के जितने भी दर्द होते हैं या परेशानी होती है, ये सब जोड़ों की जो से लगी हुई जो नसें हैं उनकी चलती ही होती है। जो अब जैसे जैसे एज हो जाती है तो वही सब जोड़ों में अपनी मूवमेंट्स हो जो है वो बहुत कम होती है, तो उसके चलते ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये अब एकदम 40-45 के एज के बाद ये सब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को घुटनों का दर्द और पैरों की जो नसें हैं उनमें बहुत सारी परेशानी देखी गई है कि उनको चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा करके डायबिटीज़ पेशेंट को मस्कुलर पेन ज़्यादा होता है या तकलीफ होती है, तो उनको हम लोग पैरों पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि वहाँ की नसें यदि ठीक रहे तो आगे ऊपर ब्लड फ्लो प्रॉपरली होता है। और दूसरा हाथों के, हाथों में की नसें भी उनका जाम रहती है। बहुत से लोगों के जो अपने 10 उंगलियाँ हैं वहाँ की जो नसें आखिरी तक की है वो जोड़ों के चलते उनको वहाँ का ब्लड फ्लो और प्रॉपर नहीं होने के चलते वहाँ पर बहुत तकलीफ महसूस हुई है। जैसे बाद में गर्दन, साइटिका का पेशेंट हो या फिर सर्वाइकल का पेशेंट हो, ये सब नसों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। और ये सब नसों के चलते यदि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हुआ या किसी वजह से उनको डिफॉर्मिटी आ गई होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको तकलीफ होना चालू हो जाता है। तो उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा करके काम करते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं कि वो ऐसा न हो और हमेशा के लिए न हो, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं और उनको जो भी इलाज हो वो परमानेंट हो फिजियोथेरेपी के चलते। अभी देखा जाए तो हॉस्पिटल में बहुत से लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं या पुरुष है, वो हॉस्पिटल में जाना प्रिफर नहीं करते। एक तो उनको जाना आना के बहुत तकलीफ होती है, एक तो दूसरा, और वहाँ पे उनको ले जाने वालों का जो उनके साथ जो केयर टेकर रहता है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो वो लोग जनरली बीमारियों को टालते रहते हैं या अवॉइड करते हैं कि मेरा हॉस्पिटल जाना नहीं होगा करके वो जो भी बीमारी अपने शरीर पे ही निकाल लेते हैं। यदि उनको डे केयर या होम केयर की सर्विस मिले तो हम लोग उनको जल्दी से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो टालते हैं। और खर्चा भी आता है आना जाना, उसमें टाइम भी जाता है। यदि उनको ये सब सर्विस यदि घर में मिल जाए तो दे कैन लिव बेटर लाइफ। जो सर्विस करने वाला है उसे एज ए प्रोफेशन उसको नहीं देना देखना चाहिए, एज ए सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए उसका आना जाने का खर्चा और उसको जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड उसके भी इतने फिलफुल हो जाएगा तो सफिशियंट है। लेकिन यदि एज कम्पेयर टू द हॉस्पिटल करेंगे देन बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल्स, दे विल डिमांड एज पर देयर रिक्वायरमेंट और एज पर देयर करियर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। यदि होम केयर में जो है तो वॉलंटियरिटी इसमें बहुत जरूरी है। यदि वॉलंटियरली कोई करता है और उसको मिनिमम नीड उसकी फुलफिल होती है तो इट इज़ ए चीपर एज कम्पेयर टू द हॉस्पिटल। लेडीज़ को मैं अभी तक देखा हूँ तो मेरे पास 60-70% लेडीज़ को ही मैंने ट्रीटमेंट किया है। जैसे साइटिका हुआ, बैक पेन हुआ,
या शोल्डर हो गया, फ्रोजन शोल्डर आजकल के जिसमें बहुत देखा जाता है, या घुटनों का दर्द है, ये सब में लेडीज़ की बहुत सी दिखा है। बाद में ऑपरेशंस होते हैं नीज रिप्लेसमेंट के, उसके बाद भी जो केयर लगती है वो लेडीज़ में ही देखा गया है, और हम लोग लेडीज़ पेशेंट ज़्यादा है पुरुषों के हिसाब से। एक तो उनको एल्डर पर्सन्स को उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको दवाई देना वो भूल जाते हैं, दवाई लेना टाइम पे लेना, उनका खाना पान का भी जो है वो अनिश्चित रहता है, याद दिलाना पड़ता है, और वो जनरली वो अवॉइड करते हैं या भूल जाते हैं टाइम पे लेता है। यदि होम केयर यदि घर पे रहा तो ये सब चीज़ें टाइमली और टाइम टेबल के हिसाब मुताबिक की जा सकती है, तो होम केयर में उनका डे केयर रहना बहुत ज़रूरी है आजकल के हिसाब से। एडवाइस है कि उसको जो भी हॉस्पिटल का डॉक्टर का एडवाइस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, उसकी मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे दिया जाए, और डाइट प्लान जो है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए उसको मदद किया जाए, और उनको उस हिसाब से कर लिया जाए, दिया जाए जाए उसको। टैबूज ऐसा कुछ नहीं है, जो डे केयर का काम करेगा वो खुद को खुद ही इंटरेस्ट होना चाहिए, या उसको खुद को सब चीज़ें मालूम होना चाहिए, और उसने ये सब अपनी खुशी से करना चाहिए कि मुझे ये मेरा एक सीनियर सिटीजन के प्रति मेरा कुछ करते हुए या कुछ देना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए ये सब उसने अपने जीवन में मेरा एक रोल भी, ये भी एक पार्ट है, ऐसा करके उसने कहना चाहिए। ऐसा टैबूज ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हर डिसीज के ऊपर डिपेंड है कितना टाइम लगेगा, लेकिन ओल्ड एज में रिकवरी रेट बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू द यंग जनरेशन। तो यदि रेगुलर एक्सरसाइज करे और रेगुलर फिजियोथेरेपी करेंगे तो ये रेट कम हो सकता है और जल्दी वो रिकवर हो सकता है। और मेन चीज़ है इच्छा शक्ति की, पेशेंट की इच्छा शक्ति यदि प्रबल रहे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आई विल सजेस्ट द वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द ओल्ड सीनियर सिटीजन्स, एज वेल एज दे शुड डू द योगा एंड सम पीटी एक्सरसाइज, इट इज मस्ट फॉर 15 मिनट्स। एंड वॉकिंग भी करना है तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, मतलब आज एक राउंड मारा है तो 8 दिन के बाद दूसरा राउंड। बहुत से ओल्ड एज पर्सन को क्या देखा गया है कि एट ए स्टेज वो 3-4 राउंड मारते हैं और 8 दिन के बाद आई एम टायर्ड आई कैन नॉट डू द फर्दर, सो दे शुड डू इन इंटरवल्स, दे विल इंक्रीज द राउंड्स, और जो भी उनका मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक है उसके रोटेशन इंटरवल एज ए इंटरवल बढ़ाना चाहिए, एज एट ए स्टेज नहीं करना चाहिए, और मॉर्निंग इवनिंग देने के बाद उन्हें एटलीस्ट हाफ एन आवर तो भी वॉक करना चाहिए, और उसके चलते उनका बॉडी का भी मस्कुलर टोनिंग हो जाएगा बॉडी का और मसल्स का। तो वॉकिंग और एक्सरसाइज और स्विमिंग यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हैप्पी एजिंग अप टू टिल दैट एज ही शुड बी मस्ट बी लिव एज हैप्पी फॉर दैट रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेगुलर डाइट एंड टेक द लिक्विड इनटेक एज मच एज सो दे कैन एंड ड्रिंक मोर वाटर एंड ड्रिंक हॉट वाटर।